अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है सबका? आई होप के सब लोग ठीक ठाक और हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला भाई सबको ठीक ठाक ही रखें। भाई आज मैं जो हूँ ना आप लोगों को बड़े मज़े की गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो यार मैं अल्लाह ताला का थैंकफुल हूँ, उसके बाद भाई अपनी यूट्यूब फैमिली का कि भाई आप सब लोगों ने ना यार दुआओं में याद रखा। ठीक है, तो भाई फाइनली फाइनली आज जो है ना मम्मा की, आज नहीं कल, हाँ कल जो था ना मम्मा की सर्जरी है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो चुकी है गॉल ब्लैडर की। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। और इसके अलावा भाई हॉस्पिटल में ना मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए थे। आप लोगों को पता है यार जब ऐसा कोई काम वगैरह होना तो बंदे का दिमाग ना बिल्कुल बिल्कुल यार बंद हुआ था, कुछ भी करने का ना दिल नहीं कर रहा था। सर्जरी के बाद जब उन्होंने मम्मा को एडमिट किया हुआ था ना, तो मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए थे जब मम्मा रूम में थी, तो वो आप लोग देखो। फिर उसके बाद जो है ना बाकी बात करते हैं। अच्छा तो भाई क्लिप्स देख ली हैं। अच्छा मैं अब आप लोगों को क्या बताने वाला था, जाहिर सी बात है यार अभी जो है ना सर्जरी हुई है तो मामा ना अभी बिल्कुल जो ठीक होना कहते हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि 1 मंथ तकरीबन उनको बिल्कुल सेट होने में लगेगा, यानी कि अभी जो था ना मामा को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, थोड़ा थोड़ा जो है ना मामा का सांस रुक रहा है। ठीक है, उस तरह से ना ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इस तरह के जो से मसले वगैरह हैं ना अभी मामा के साथ हैं। जो मामा के अंदर मेडिसिन वगैरह जा रही हैं उसके भाई उल्टे इफेक्ट्स वगैरह होते हैं मामा के ऊपर, यानी कि जिस चीज़ की मेडिसिन है ना उससे वो चीज़ ठीक तो हो जाएगी लेकिन उल्टा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है मामा के ऊपर, ये सीन होते हैं। इसके अलावा भाई डॉक्टर ने कहा कि जो सा इनको बिल्कुल सही वाली जो सी होश है ना तकरीबन 8 घंटे के बाद आएगी, यानी कि अभी मामा बातचीत कर रही हैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, अगर हमें आवाज़ दे देंगी ना हल्की सी, हमें आवाज़ आ गई है, हमने जाके पूछना है कि क्या हो गया, कि यानी थोड़ा थोड़ा सा बोल रही हैं। उसके अलावा यार मामा जो जैसे अब मैं बोल रहा हूँ ना इस तरीके से अभी मामा नहीं बोल सकती, जाहिर सी बात है। इसके अलावा यार डॉक्टर ने कहा कि जब इनको 8 घंटे के बाद बिल्कुल सही वाली होश आएगी उसी टाइम पर आपने इनको खाने के लिए देना है। ठीक है, यानी कि बिस्किट्स वगैरह हो गए, फ्रेश जूसेस वगैरह हो गए, चाय भी दे सकते हैं, ऐसी वैसी चीज़ें ना उन्होंने कह के अभी देनी है। तो इस वजह से यार आप लोगों ने ना अभी भी दुआओं में याद रखना है, ये नहीं है कि भाई सर्जरी हो गई तो आप लोगों के यार सर्जरी हो गई है कामयाब हो गए हैं, ठीक है ये अब ठीक हो गई है, तो यार आप लोग दुआ करना भूल जाओ यार, ऐसे नहीं करना यार। दुआओं में यार आप लोगों ने जरूर याद रखना है, दुआ करनी नहीं भूलनी, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। ठीक है, बाकी इसके अलावा यार आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार जो से व्लॉग्स हैं वो कब स्टार्ट होंगे, तो इंशाल्लाह जो से व्लॉग्स हैं ना बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत मजे मजे के। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, शेयर करने का आज भी नहीं मैं आप लोगों को कहूंगा, करना है कर दो, नहीं करना कोई मसले की बात नहीं है। बाकी जब मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगा उनमें तो यार आप लोगों को कहना पड़ता है यार, फिर भी नहीं आप लोग करते, अगर नहीं कहूंगा तो यार फिर तो बिल्कुल भी नहीं करोगे ना यार। बाकी यार आप सब लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।